महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव 20 नवंबर को होंगे और परिणाम आएंगे 23 नवंबर को। विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को दरअसल समाप्त होने जा रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान 288 सीट पर हुआ है। नामांकन शुरू 22 अक्टूबर से, नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर होगी। वोटिंग 20 नवंबर, एक ही फेज में 288 सीटों पर मतदान और नतीजे आने वाले हैं 23 नवंबर को, जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलें हो गई हैं तेज कि यदि चुनाव परिणाम के बाद किसी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला तो फिर क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राज्य में राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति पर काम करने में जुटी हुई है। इस बार 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। यदि किसी भी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो ये जो स्थिति है वो राष्ट्रपति शासन की ओर ले जा सकती है। 72 घंटे में सरकार अगर नहीं तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ये कहा जा रहा है। 24 नवंबर को बहुमत का दावा जो है वो पेश करना होगा जो भी पार्टी सरकार बनाना चाहती है। राज्यपाल को अधिकार सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित करें। यदि इस दौरान पार्टी या फिर गठबंधन के भीतर विरोध हुआ तो सरकार बनाने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। यदि किसी पार्टी या फिर गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो फिर राष्ट्रपति शासन लागू करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राष्ट्रपति शासन की स्थिति अगर बनी तो पाला केंद्र के हाथ में होगा। जाहिर है केंद्र सरकार राज्य की स्थिति को नियंत्रित कर सकती है। राज्य में राजनीतिक स्थिरता का संकट उत्पन्न हो सकता है। राज्य में सभी राजनीतिक दल अब चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि चुनाव परिणाम क्या दिशा लेते हैं और यदि बहुमत की स्थिति नहीं बनी तो राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कौन सी रणनीतियां अपनाई जाती हैं। यदि चुनाव में किसी दल या गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता है तो सरकार बनाने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी, लेकिन अगर घटक दलों में मतभेद उभरते हैं तो ये जो स्थिति है वो संकट में बदल सकती है। बहरहाल ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि राज्यों में क्या स्थिति बनती है, इसके लिए हमें 23 नवंबर तक का इंतजार तो करना ही होगा। लेकिन महज 2 दिन के भीतर सरकार बनाने की प्रक्रिया अगर पूरी हो जाती है तो सूबे में इस तरह की स्थिति से बचा जा सकता है।